हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वीडियोस तो मैं डेली बनाता हूँ, रियलिटी कब बनाते हैं वो भी चेक कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो पर मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस में हो तो एग्ज़िट करके निकल भी सकते हो। अगर मैं किसी भी स्टॉक को खरीदना है तो मैं दो से तीन ही स्टॉक को बोलूंगा दोस्तों, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, पहली बात उसका प्राइस बहुत हाई है, दूसरी बात जेके लक्ष्मी सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह थी। ठीक है, बिना वजह की तो दुनिया चलती नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं बोलूंगा दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और एक बात, अगर आपने नहीं खरीदा इसको तो दोस्तों आने वाले दिनों में सीमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं मिल पाएगा। तो देख लो दोस्तों, आपके हाथ में है, आपको कोई बताने वाला भी मिल रहा है। पहले तो ऐसा भी होता था, कोई नहीं बताता था, तो जम के खरीदो, ऐसा स्टॉक हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको खरीदना ही चाहिए ऐसा स्टॉक। अब कुछ लोग पूछेंगे क्यों, क्या है ऐसे स्टॉक में। दोस्तों ये स्टॉक अभी देख लो, मैं 1 ईयर का चार्ट नहीं दिखा सकता। ठीक है, देख लो ये स्टॉक दोस्तों 250 के अराउंड आया था, 250 से अभी देखिए 400 को टच होने वाला है। 250 के अराउंड मान लेते 62 62 60 से अभी ये 400 को टच करने वाला है, ये तो पहली बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जेके लक्ष्मी सीमेंट का रिजल्ट आने वाला है, और इसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड मैं पहले बता दे रहा हूँ। देख लो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों। तो आपको ऐसे स्टॉक से अपने रडार नहीं हटाना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा था, इतना अच्छा स्टॉक और बहुत गिरे हुए प्राइस में मिला था, लेकिन दोस्तों कोई ऐसे स्टॉक पे ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर देख लीजिए, लोगों ने बहुत अच्छा डिलीवरेबल क्वांटिटी भी उठाया है, अराउंड 56 के आसपास उठाया है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और लोग कितना क्यूरियस हैं इसको खरीदने के लिए, अभी जितने भी है खरीदना ही चाहते हैं लोग, कोई बेचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाथ से निकलने वाला ही है जल्दी ही, ये स्टॉक ये जो है हाथ से निकलने वाला है। फेस वैल्यू भी बहुत अच्छा है दोस्तों, 5 के आसपास है, इतना भी बहुत अच्छा होता है। इसका हाइएस्ट अगर देख लेते हैं तो 395 है हाइएस्ट, और लोएस्ट कितना है दोस्तों 260, और 260 को टच करने के बाद ही ये बाउंस बैक लेना स्टार्ट किया। और इसके क्वार्टर रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए हर हम आप इंटरनेट में सर्च कर लो, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, एक अलग से वीडियो बनाया था, और उसमें बस सीमेंट के बारे में पूरा जानकारी दी थी कि सीमेंट का प्राइस जो है पर केजी कैसा है, पर के मतलब 1 किलो अगर आप सीमेंट लेते हो तो कितना प्राइस पड़ता है आपको, वही सीमेंट 1 साल बाद आप लेते हो तो कितना प्राइस उसका इंक्रीज हो चुका होता है। दोस्तों सीमेंट एक ऐसा चीज़ है जो लैंड से रिलेटेड है, लैंड मतलब दोस्तों बहुत लोग ज़मीन में पैसा लगा देते हैं और 2 साल 4 साल बाद उनका पैसा जो है 2 गुना जाता है, 2 से 4 गुना भी हो जाता है। तो सोचिए सीमेंट भी एक ऐसा चीज है जो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हाईली डिमांड होगा, क्योंकि दोस्तों लोग इंक्रीज होते जा रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, और हमारे पॉपुलेशन को क्या चाहिए, घर तो चाहिए ही चाहिए कंपलसरी, तो घर कहां से आएगा, सीमेंट से तो बनाना पड़ेगा, तो लैंड का भी प्राइस इंक्रीज होगा। तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट चीज जो है ढूंढा करो जिससे आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहां पर साफ साफ मैं बोल देता हूं दोस्तों, नेट प्रॉफिट एंड लॉस तो यहां पर बहुत ही अच्छा था, अब जो आने वाला है वो अलग ही है। और इसका शेयर होल्डर पैटर्न अगर हम देख लेते हैं तो दोस्तों यहां पर देख लो, प्रमोटर्स के पास 45% है, चलिए ठीक ठाक है, इतना भी खराब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिक के पास है 54%। ठीक है, दो ही लोगों के पास है, यहां पर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना ही दोस्तों यहां पर कोई, और आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो हिस्टोरिकल डेटा है। यहाँ देख लीजिए जेके लक्ष्मी सीमेंट का हिस्टोरिकल डेटा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट लिखा हुआ है दोस्तों, इसने 1 महीने पहले, 1 महीने पहले यहाँ पर देख सकते हैं 30 दिसंबर 2019 को इसने कितना लोएस्ट बनाया था, 274 के आसपास था ये जो था लोएस्ट प्राइस था। उसके बाद दोस्तों ये हाइएस्ट ही मारता गया, 274 था, 76 81 84 95 95 301 302 312, जितना भी दोस्तों फाइनली जो है आज के डेट में यहां पर देख सकते हो 388, मतलब कि दोस्तों कितना अच्छा इसमें जो है ग्रोथ आया, बहुत अच्छा ग्रोथ आया दोस्तों। तो सीमेंट इंडस्ट्री में मैंने आपको अल्ट्राटेक सीमेंट भी खरीदने को बोला था,
और ये देखिए मेरे जितने भी पेड कस्टमर हैं, मैंने अपने पेड कस्टमर को भी दिया था जेके लक्ष्मी सीमेंट को बाय करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने डेट है दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट में पैसा नहीं पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो दूसरे के पास पैसा नहीं है, दूसरा क्या कर सकता, लोन ले सकता है। अभी आप देखो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी छाई हुई, ठीक है। अगर आप किसी भिखारी से भी जाके बोलोगे कि भाई 100 का चिलर दे दो, तो वो आराम से खटखट निकाल के दे देगा। बस फर्क इतना ही रहेगा कि उसका जो चिलर रहेगा वो थोड़ा डटी रहेगा, आपके पास जो रहेगा वो थोड़ा क्लीन रहेगा। लेकिन सोचिए उसके पास भी उतना पैसा है। पैसे किसके पास नहीं होते दोस्तों, पैसे अच्छे अच्छे के पास होते हैं, लेकिन पैसे को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, जैसे वॉरेन बफेट जी ने प्रोडक्टिव बनाया। प्रोडक्टिविटी अगर आप नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा मान्य नहीं रखता है, नॉलेज मान्य रखता है, पेशेंस मान्य रखता है। तो पैसे तो सब लोग लाते हैं, किन के पास नहीं है। बैंक है आजकल लोन देने के लिए तैयार, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, जो आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो 2 मिनट में 5 मिनट में अपने बोलते हैं कि अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। पैसे लाने के बहुत जगह से तरीके हैं, लेकिन आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, आप उसको प्रोडक्टिव कैसे बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको आने वाले दिनों में वही पैसा का जो है वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। आपको पैसा बढ़ाना है तो आप क्या सोचते हो कि वही पैसा है बहुत है, आप मार्केट में लाके डुबा देते हो। तो मार्केट में पैसा मत लाओ, क्या लाओ, पेशेंस लाओ, ठीक है। और दूसरी बात, नॉलेज लाओ। पेशेंस नहीं है तो दोस्तों मार्केट में कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो राइटिंग में लिख लो, और आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में काम करना, तो बस 1 साल के बाद मुझसे मिलो। आपके पास जितना कैपिटल है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मोर देन 80% या 70% आप डुबा दोगे ये, क्योंकि पेशेंस और नॉलेज का खेल ही यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, हमारे कस्टमर को मैंने दिया था दोस्तों 1 जनवरी को, मैंने बोला था जेके लक्ष्मी सीमेंट खरीदने के लिए, और क्या बोला था, कितने रेट पर, 282 के प्राइस पर खरीदने बोला था। आज 388 के प्राइस में चला दोस्तों, 388 के प्राइस में। तो ये होता है पेशेंस का पावर। इन्होंने एक बार पूछा भी नहीं और एक बार बोला भी नहीं। और यहाँ पर देखिए, इनसे पूछा भी गया, यहाँ क्या बोला गया, आई हैव परचेस 25 क्वांटिटी। 25 क्वांटिटी का आपको पावर क्या पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पर 25 क्वांटिटी भी अगर खरीदा गया 282 के भाव पर, तो आपके सामने मैं कैलकुलेट करता हूँ कितने में खरीदा गया था, 282 में खरीदा गया था, ठीक है। आज के डेट में कितना प्राइस है, 382 चला, ठीक है। हमें कितना मिला हो दोस्तों, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, 100 पॉइंट हमें मिला है, ठीक है। अगर हमें 100 पॉइंट मिला है तो हम 100 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 25, क्योंकि हमने कितना खरीदा था, 25 क्वांटिटी खरीदा था। अब कितना मिल गया मुझे दोस्तों, 2525। अगर 25 क्वांटिटी भी आप लेते हो तो इतना अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्या आपने कभी भी छोटा स्टॉक, छोटा क्वांटिटी खरीद के बड़ा प्रॉफिट किया है, क्यों नहीं, पेशेंस नहीं है हमारे पास। तो देखो 25 क्वांटिटी का कितना पावर होता है, आप तो पैसे वाले हो, आप 5,000 10,000 भी क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो आपके पास कितना होना चाहिए, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो पेड सर्विस अलग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, देख लो ये जो था, ये मैंने 31 दिसंबर से पहले दिया था, वो मैंने कितना है, 1 जनवरी से पहले। यहाँ पर देखिए इनको रजिस्टर किया गया था पेड सर्विस के बाद, तो 31 दिसंबर के पहले ही यहाँ दिया गया था। सोचिए दिसंबर में इनको दिया गया था जेके इलेक्ट्रिक सीमेंट, लेकिन इनको और भी लो प्राइस में दिया गया था, उनको 86 में दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हो 76 में दिया गया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 282 में दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 76 में। तो इनको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा, हालांकि ये जब पहले आए तो पहले मिला, तो इसलिए रहा हूं इन्वेस्टमेंट करना है तो लेट मत करो। यहां पर भी देख लो, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट की तरफ से यहां पर देख लीजिए दोस्तों। यहां पर भी देख लो 30 दिसंबर को यहां 276, तो जो जैसे आ रहे थे मैं उनको बताते जा रहा था। और आज शाम को मैं प्रॉफिट भी दिखाने वाला हूं दोस्तों, 25 क्वांटिटी का पावर क्या होता है। तो चलिए अभी मैं बोलूंगा दोस्तों, ऐसे स्टॉक को अपने रेडार पर रखा करो जो आने वाले फ्यूचर में अपना ग्रोथ करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करके जरूर इंक्रीज किया करो दोस्तों, हमारा इंक्रीज। और उसके बाद अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो अपने लिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।